नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। आप हमें देख रहे हैं इस वक्त पीएमई विद्या चैनल नंबर 8 पर। हिंदी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत करने वाले हैं 1857 के बारे में, 1857 का जो विद्रोह था उसके कारण, स्वरूप और परिणाम के बारे में। कुछ बातें हमने इस विद्रोह के बारे में भाग एक में कर ली थी और भाग दो है ये, और हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट, आइए मिलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद कुमार पांडे, स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। हैं एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एनसीईआरटी, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं ciet.kishoremanch@gmail.com पर। आप चाहें तो आप हमें YouTube चैनल के जरिए भी अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। एनसीईआरटी ऑफिशियल है हमारा चैनल। आइए और समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और हम बातचीत करते हैं 1857 के बारे में। सर, सबसे पहले तो हम भी भाग दो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भाग एक पर आपने जो हमारे दर्शकों को, विद्यार्थियों को समझाया था, उसे संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, नमस्कार बच्चों, फिर से आपको, और आपको पता ही होगा कि इसके 1857 के हमारे इस सत्र के पिछले प्रथम सत्र में हमने चर्चा की थी कि 1857 के पहले के जो विद्रोह थे उसको कैसे, किस तरीके से विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए थे 1857 के पहले के, और आज हमारा फोकस मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह पे होगा। तो इस विद्रोह के अगर हम राजनीतिक कारण देखें तो आपको पता ही होगा कि जो ब्रिटिश शासन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ब्रिटेन की एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के भूभागों पे आधिपत्य करके विभिन्न उपायों से उस पर अधिकार जमा रही थी। तो 1857 के विद्रोह के पहले आपने झांसी की रानी का नाम सुना होगा, और झांसी की रानी के चूंकि अपना एक कोई पुत्र नहीं था उनके राजा से, उनके पति से, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन डलहौजी ने एक नीति बनाई थी जो उस समय गवर्नर जनरल थे कि अगर किसी भी शासक को या स्थानीय शासक को भारत के, अगर उनका अपना पुत्र नहीं है तो उनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उस आधिपत्य में ले लेगी और किसी दत्तक पुत्र को उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि झांसी की रानी और इस तरीके के बहुत सारे राज्य किस प्रकार से 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। दूसरा, बाजीराव पेशवा द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके चूंकि कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने नाना शाह पेशवा को अपना एक पुत्र को गोद लिया था, तो उन्होंने भी मांग किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से कि उनको पेंशन दी जाए जो उनके पिता को मिलती थी, लेकिन उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई क्योंकि आप उनके पुत्र नहीं हैं और दत्तक पुत्र को कोई। तो इस तरह हमने देखा, झांसी का देखा, पेशवा का देखा जो पूना उस समय पूना में थे, लेकिन पेंशन मिलने के बाद बाजीराव पेशवा के पुत्र नाना साहब क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिली थी तो अंग्रेजों ने उनको उनके मूल स्थान से कानपुर उत्तर प्रदेश में भेज दिया था। उसके बाद अवध में हमने बात किया था, 1801 में सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि के द्वारा वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना रखी थी, वहाँ अवध की सेना को हटा दिया गया था और वहाँ के शासन में 1801 से लेके 1856 तक लगातार हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी 1856 में डलहौजी ने ये आरोप लगा के कि अवध में वहाँ के शासक, वहाँ के नवाब ठीक तरीके से अच्छा शासन नहीं चला रहे हैं, इसलिए उनके राज्य को भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में ले लेते हैं।
ये बड़ा रोचक है कि एक तरफ आप कुशासन के लिए खुद जिम्मेदार हैं आपके हस्तक्षेप के कारण, उसके बाद आप उसी को आधार बना रहे हैं उस राज्य के विलय का। और उसके बाद मुगलों का आपने सुना ही होगा कि भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व देश के एक बहुत बड़े भूभाग पे मुगलों का शासन था, लेकिन उस समय तक उनका पराभव हो चुका था, पतन हो चुका था, लेकिन उनकी सत्ता ना कम से कम नाम के लिए ज़्यादातर जो स्थानीय शासक भी थे उन्हीं के नाम पे शासन करते थे, हालांकि वो स्वायत्त थे, ऑटोनॉमी थी उनके पास, खुद ही अपने वो सिक्के भी कुछ लोग वो कर लेते थे। उसके बाद भी 1849 में डलहौजी ने ये घोषणा किया कि मुगल बादशाह जो लाल किले में रहता था, ये कहा गया कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा, और एक दूसरी जगह कुतुब मीनार के पास एक छोटा सा महल था, एक किला था, और उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। और इसके पहले ही हम देखते हैं 1835 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के जो बनाती थी विभिन्न टकसालों में, तीन प्रेसिडेंसीज में, जो तीन उनकी प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उस समय चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, लेकिन 1835 के बाद उन्होंने सिक्कों पे जो सिक्के वो अपनी टकसाल में निकालते थे उसमें मुगलों का चिन्ह और उनके चित्र भी टंकित करना बंद कर दिया। तो और उसके बाद फिर अंतिम आघात तब लगा जब 1856 में कैनिंग, जो डलहौजी के बाद गवर्नर जनरल बन के भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि मुगल बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद किसी भी उनके पुत्र को बादशाह का उत्तराधिकार नहीं दिया जाएगा, बादशाह नहीं माना जाएगा, प्रिंसेस के रूप में, राजा राजकुमार के रूप में तो मानता रहेगी, लेकिन एक उनको बादशाह नहीं माना जा सकता। तो ये इस तरीके के राजनीतिक कारण थे जो जो शासक वर्ग थे, स्थानीय शासक थे, उनके उनका एक कारण था। दूसरा कारण हमने बात की थी कि किसानों और जमींदारों में बहुत असंतोष था, क्योंकि किसानों के ऊपर कई प्रकार के कर लगते थे, राजस्व, भू राजस्व बहुत बढ़ा दिया गया था, अकाल पड़ने पे भी उसको अनिवार्य रूप से सारे टैक्सेस और वो सब देने पड़ते थे, और जमींदारों के साथ ये समस्या थी कि चूंकि एक नया नियम लाया गया था कि अगर जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंदोबस्त किया गया है उसकी राशि नहीं देता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और किसी और व्यक्ति को दे दी जाती थी। तो एक तो जमींदार वर्ग हैं, जो किसान वर्ग है, ये साहूकारों को जो जो ऋण के ऋण या जो है कर्जा देते थे उसके ट्रैप में, उसके उसमें पड़ रहे थे। तो एक पूरा असंतोष था, खासकर जो किस कृषक वर्ग था वो बहुत बुरी तरीके से, इसीलिए हम देखते हैं कि विद्रोह में इन सब वर्ग ने बहुत ज़्यादा विद्रोहियों का समर्थन किया था। और तृतीय प्रमुख कारण सैनिक विद्रोह था, हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था, और सैन्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें जो सिपाही उस समय बोलते थे उनके सैनिकों को, उसमें ज़्यादातर भारतीय सिपाही थे निम्न स्तर पे, और उनके प्रमोशन के चांसेस नहीं थे, उनको वेतन भी उतना नहीं मिलता था जो उनके यूरोपीय समकक्षों को मिलता था, और उसके अलावा कई ऐसे नियम बनाए जा रहे थे जिससे उनको लगता था जो उनकी सेना में हिंदू सिपाही थे या मुस्लिम सिपाही थे कि उनके धार्मिक में, उनके जाति संबंधी नियमों में, उनके धर्म संबंधी नियमों में हस्तक्षेप हो रहा था। हमने समुद्र यात्रा की बात की थी कि उन्होंने विरोध किया था कि नहीं, हम समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि हमको उस कारण जाति से बहिष्कृत होने का, हमको जाति से धर्म से निकाला जा सकता है। वो तैयार थे वर्मा में जाने के लिए, वर्तमान म्यांमार में भूमि के रास्ते जाने के लिए तैयार थे, लेकिन समुद्र के रास्ते जाने के लिए तैयार नहीं थे। और इन सब के साथ उनके ऊपर आघात तब लगा जब
गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का मामला आया, एक नई तरीके की राइफल इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ, उसमें जो कारतूस लगती थी उसको अपने दांतों से काट के निकालना पड़ता था तब उसको लगाते थे, तो उनको लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जान बूझ कर उनके अपने धर्म को मतलब नीचा दिखा रही है और वो चाह रही है कि, और उस समय आपको पता ही होगा ईसाई मिशनरी बहुत तरीके से उनको कई तरीके के छूट भी मिलने लगी थी, शुरू में तो उनको लिमिटेड बहुत सीमित रूप से कम ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी अनुमति नहीं दी धर्म प्रचार की, लेकिन 1830 के बाद कई तरीके से उनको भूमि भी दिया गया जो मिशनरीज हैं अपनी धर्म परिवर्तन की या अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, तो उनके मन में एक ये आशंका थी कि वो चाहते हैं कि हम सभी लोग ईसाई हो जाएं और इसलिए वो इस जानबूझ करके इस तरीके की वो कर रहे हैं, और उसमें साथ में ही 1850 के पास हम देखते हैं एक नया नियम लाया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाता है तो तब भी उसको उसकी अपनी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा आघात था ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के को वो अपने 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 जाति के नियम में अपने सामाजिक रीति रिवाज में एक बड़ा हस्तक्षेप समझते थे, और लेकिन इसके अलावा एक काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, आपने राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना होगा, उन लोगों के दबाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कुछ कुप्रथाएं प्रचलित थी जैसे सती प्रथा थी या विधवा सती प्रथा, लोगों को उसके पति की मृत्यु के बाद जबरन सती के बन होने के लिए विवश किया जाता था, तो इन सब के लिए शुरू से भारतीय समाज सुधारक जो थे उन्होंने मांग किया था कि इसके लिए कानून बनाया जाए जिससे इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके, तो ये तो उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन जो एक जो परंपरागत भारतीय थे उन्होंने सोचा कि ये बाहर की कंपनी हमारे अपने सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रही है, हमारे धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर रही है, तो जो उन्होंने एक प्रगतिशील काम किया था वो भी उनके प्रतिकूल गया और इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सब प्रमुख कारण थे। तो सर ये काफ़ी सारे कारण हैं जहाँ लोगों का खून खौला और उन्होंने विद्रोह शुरू किया, तो सर ये जो विद्रोह था कितने वक्त तक चला था? ये आपको हमने बताया कि मार्च में 29 मार्च 1857 में एक घटना हुई थी बैरकपुर छावनी में बंगाल में, जब मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति ने अपने अधिकारी को मार दिया गया था, बाद में उसको भी मार दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर मई में 9 मई 1857 में जब पुनः एक बड़ी संख्या में मेरठ छावनी के सिपाहियों ने उस तरीके की राइफल और चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया, तो उनके खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारियों ने कार्रवाई की और उनको 10 साल की सजा दी 9 मई 1857 को, और उनको मेरठ में कैद कर लिया गया। ये तो इसको हम एक फॉर्मल शुरुआत मान सकते हैं, हालांकि इसके पीछे पृष्ठभूमि बहुत थी, लेकिन एक जो एक पर्टिकुलर डेट से हम कहते हैं कि 9 मई को ये घटना होती है, और उसके बाद 10 मई को वो लोग जो है जाते हैं, जो भारतीय सिपाही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो मेरठ के जहाँ पे उन सैनिकों को भारतीय सैनिकों को कैद किया गया था जेल में जाते हैं 10 मई 1857 को, वहाँ उनको छुड़ाते हैं और उसके बाद फिर वो एक विद्रोह कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके जो भी अधिकारी हैं सैन्य अधिकारी हैं ब्रिटिश जनता है उनको उनके खिलाफ सब जो है
शस्त्र, उनका शस्त्रागार, उनके हथियार लूट लेते हैं और 10 मई 1857 की रात को ही घोड़ों से और पैदल वो लोग दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं। दिल्ली क्यों कूच करते हैं आप बोलिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी तो उस समय कलकत्ता थी, बंगाल प्रेसिडेंसी की जो राजधानी थी उनका मुख्य राजनीतिक केंद्र था कलकत्ता, बजाय कलकत्ता जाने के उन्होंने दिल्ली जाना क्यों चयन किया, विकल्प उनके सामने दिल्ली जाने का क्यों था, क्योंकि वहां भारत के अब तक के मुगल बादशाहों की राजधानी थी। बहादुर शाह जफर जो उस समय दिल्ली में ही थे तो उन लोगों ने कहा कि हम जाए, और वो लोग रात को गए और वहाँ के लोग भी उसमें शामिल हो गए, वहाँ के सिपाही भी शामिल हो गए जो दिल्ली में थे, और वो लाल किला जो है लाल किले की दीवार के पास बाहर जाके सब इकट्ठा हो गए जो भारतीय सैनिकों ने जिन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन उस समय बहादुर शाह जफर बहुत वृद्ध थे और उनको इच्छा नहीं थी कि वो नहीं चाहते थे कि वो, उनको लोगों ने कहा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, तो शुरू में उन्होंने अरुचि दिखाई, लेकिन जब सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने जो विद्रोही थे उन्होंने ज़्यादा दबाव डाला तो उन्होंने स्वीकार किया। और फिर उन्होंने जितने भी जमींदार थे और भारत के क्षेत्रीय शासक थे उन सबको पत्र लिखा और कहा कि हमारे नेतृत्व में हम भारतीय राज्यों का एक संघ बनाते हैं। ये जो घटना हुई इसके बहुत सकारात्मक, मतलब विद्रोह को और ज़्यादा, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे विद्रोह हुए थे लेकिन उनको दबा लिया गया था, लेकिन चूंकि ब्रिटिश शासन का अभी नाम मात्र का ही सही लेकिन एक भारत के बड़े भूभाग पे मुगल शासन का अभी भी प्रभाव था, तो इस कारण और लोग शामिल हुए और इस विद्रोह को एक बल मिला। पर सर इसे भी तो ब्रिटिश शासन ने दबा ही लिया था। हाँ, आपने कहा था, वही उसी प्रश्न पे आ रहे हैं कि ये अब जैसे मई 1857 में ये शुरू हुआ और कुछ ही महीनों के अंदर दिल्ली में इन्होंने सितंबर में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दिल्ली में पुनः कब्जा कर लिया था। तो मई से सितंबर तक का उन्होंने दिल्ली पे तो अधिकार कर लिया था। उसके बाद फिर लेकिन विद्रोह हमने देखा कि और जो केंद्र थे, जो अवध का केंद्र था, उत्तर वर्तमान उत्तर प्रदेश का कानपुर था, फैजाबाद था, बरेली था, लखनऊ था, इधर बिहार में जाएंगे तो राजा कुंवर सिंह का जो जमींदार थे उनका जो क्षेत्र था आरा का और उस तरीके का, और उसके बाद हम ग्वालियर एमपी की तरफ जाएंगे तो वहाँ तात्या टोपे थे, उधर झांसी से लगा हुआ रानी लक्ष्मीबाई का जो क्षेत्र था, कानपुर में तो नाना साहब पेशवा थे ही, तो अलग अलग क्षेत्रों में ये विद्रोह अलग अलग समय पर दबाया गया, लेकिन पूरी तरीके से इसको 1859 जाके पूरी तरीके से इसको दबाया जा सका। लेकिन सितंबर 1857 में दिल्ली में उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुनः कब्जा कर लिया था, और उसके बाद 6 महीने बाद मार्च 1858 में लखनऊ पे भी उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके पहले लखनऊ में रेजिडेंसी में आपको पता होगा कि बहुत बुरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यूरोपीय सिपाही थे, ब्रिटिश सिपाही थे और उनके परिवार वालों को रेजिडेंसी में मारा गया था, जो विद्रोहियों ने उनको जो है उनका बुरी तरीके से पराजित किया था। और तो मार्च में, लेकिन पूरे भारत में या ज़्यादातर क्षेत्रों में 1858 के अंत तक, लेकिन विद्रोह पूरी तरीके से ये 1859 के अंत तक, तो ये 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में पूरी तरीके से इस विद्रोह को समाप्त करने में उनको समय लगा। जी सर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके स्वरूप, इसके प्रकृति के बारे में आप कुछ बताइए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। हाँ, इसका स्वरूप हमने बताया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो इस विद्रोह को केवल सिपाही, इसका महत्व कम करने के लिए वो ये नहीं स्वीकार करना चाहती थी कि ये भारत का एक महान विद्रोह था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो उन्होंने कहा ये बस एक सिपाही विद्रोह था,
तो उन्होंने इंटेंशनली शुरू में जो रिसर्च किए, जो पुस्तकें निकली, उसमें इस विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये न केवल क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से बल्कि विभिन्न वर्गों के शामिल होने की दृष्टि से भी ये सिपाही विद्रोह नहीं था। इसमें जमींदार वर्ग, स्थानीय शासक वर्ग, किसान वर्ग और सिपाही सभी शामिल थे। लेकिन जो सबसे विरोधाभास वाली बात है इन सब के बीच, उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो नया पढ़ा लिखा भारत में मध्यम वर्ग, जो शिक्षित वर्ग जो उदित हो रहा था, उसने इस विद्रोह को समर्थन नहीं दिया था। हम कभी फिर चर्चा करेंगे, या आप ये जानने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों, किस वर्ग ने समर्थन नहीं दिया था और क्यों नहीं दिया था। उनको लगता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको अंग्रेजी शिक्षा दे रही है, उनकी मांग थी या और कोई कारण थे। आप इसको इसका उत्तर तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का धन्यवाद। आपने कार्यक्रम देखा, आपने देखा कि 1857 का जो विद्रोह था उसके बहुत सारे कारण थे और कुछ कारण थे जो कि जिससे हमें साफ समझ आता है कि ये विद्रोह ज़रूरी था, मगर इसका परिणाम क्या था, स्वरूप क्या था। और जानकारी अगर आप चाहें तो आप खुद ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा होमवर्क आप भी कीजिए। और हमें रिप्लाई करने के लिए cieet.kishoremanch@gmail.com आप कभी भी हमें अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर थोड़ी देर में हाजिर होंगे, वेबिनार ऑन ICT टूल्स। तो आज कौन सा है वो ICT टूल, मैं बता देती हूँ। टूल का नाम है वेकलेट। लेकिन वेकलेट क्या करता है, किस तरह से उपयोगी है शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए PME विद्या के बहुत सारे चैनल्स। नमस्कार।